मतदाताओं को अजमेर ले जाने के प्लान पर शिकायत, कांग्रेस का आरोप वोटिंग से वंचित रखने की साजिश। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उज्जैन 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को 2 दिन के लिए अजमेर शरीफ ले जाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर डलते ही कांग्रेस ने इसे वोट डालने से वंचित रखने की साजिश बताते हुए शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग को की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने जांच भी शुरू कर दी है। 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मंजूर दाऊद नामक शख्स ने डाली थी। पोस्ट में लिखा, चलो अजमेर मात्र 51 रुपए में। पोस्ट में अजमेर जाने की तारीख का जिक्र वोटिंग की तारीख 17 नवंबर से ठीक एक दिन पहले का था, जिसके तहत 16 नवंबर को उज्जैन से निकलकर 17 को अजमेर पहुंचना था। उसे शाम को अजमेर से 18 नवंबर को उज्जैन आना था। पोस्ट डलते ही उज्जैन उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी माया त्रिवेदी और उनके समर्थकों ने इस पोस्ट पर आपत्ति लेते हुए इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग को कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी के पति राजेश त्रिवेदी ने बताया कि ये सब साजिश बीजेपी के मुस्लिम नेता ने रची। वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर वोट नहीं डाल पाए। इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग में की है। राजेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि उज्जैन उत्तर में करीब 18% मुस्लिम समाज का वोटर है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही थी। इस पर हमने एक शिकायत वकील के माध्यम से चुनाव आयोग में की है। इधर शिकायत होते ही आयोग ने मंजूर को जवाब देने को कहा है। मंजूर अहमद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें लिखा था, चलो अजमेर 2 दिन के लिए सिर्फ 51 रुपए। यह पोस्ट कई जगह वायरल हुई, जिसको लेकर कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। बात कांग्रेस नेताओं तक पहुंची तो इस पर बवाल मच गया और शिकायत चुनाव आयोग तक हो गई। मंजूर अहमद सिद्दीकी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि मैं और मेरे परिवार के 40 लोग अजमेर जा रहे थे। हर बार दीपावली की छुट्टी होने के कारण हम जाते हैं, ये पहली बार नहीं है। बीते 3 वर्षों से हम जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसलिए डाला क्योंकि जिसको भी स्वागत करना है वो कर सके। इसको राजनीतिक स्टंट बना लिया। क्या मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता क्या? अब जाने का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। ले जाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर डलते ही कांग्रेस ने इसे वोट डालने से वंचित रखने की साजिश बताते हुए शिकायत मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग को की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने इसमें जांच शुरू कर दी है। यह यात्रा को लेकर के जो बात सामने आई है, यह यात्रा चुनाव के समय पर जिस दिन वोट डालेंगे उन 2 दिनों के लिए यात्रा आयोजित की जा रही है, और इस यात्रा के आयोजन से जो भी जाएंगे निश्चित तौर पर वह कहीं ना कहीं अपने मतदान से वंचित हो रहे हैं। तो मतदान से मतदाता को वंचित करने का यह प्रयास नजर आ रहा था और इसको लेकर के इसकी शिकायत की थी। परिवार के लोग ये जा रहा है, जिसको भी स्वागत वगैरह करना है कर दे। वो तारीख ये जो इसलिए ली थी कि दिवाली की भी छुट्टी आ रही थी, 10 तारीख से बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, 18 से 20 तारीख को बच्चों के स्कूल खुलेंगे। उस बीच के लिए इस चीज को लोगों ने राजनीतिक स्टंट बना लिया। राजनीतिक स्टंट भी ऐसा बनाया है कि क्या मुस्लिम वोट सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देता है? मुस्लिम आदमी क्या बीजेपी में वोट भी डालता है क्या? या मुस्लिम होना कांग्रेस ही होना है? देश को मेरे को बुलाया गया था माननीय अपने कलेक्टर साहब के वहां पर, मैंने उस चीज का जाके जवाब दिया। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।